चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। मेरे पिछले वीडियो को आपने देखा, बहुत प्यार दिया, सराहा, अच्छे अच्छे कमेंट दिए, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मित्रों। में आज मेरे पास तो वैसे कई बोनसाई और कई टोपियारी है जेड प्लांट की, लेकिन देखिए आज मुझे अपने कटिंग्स लगाने वाले में से बहुत सुंदर बोनसाई बनाने के लिए प्लांट दिख गया, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के बीच में बोनसाई बनाने की कोशिश करती हूँ और बना के दिखाऊंगी भी आपको। तो उसके लिए मेरे पास इस समय मित्रों लखनऊ में बहुत भयंकर गर्मी हो रही है, छत पे कोई काम हो नहीं पाता है, इसलिए कोई भी काम जो इनडोर होता है वो शाम को रूम में ही बैठ के कर लेती हूँ, छत पे काम करना बहुत कठिन है। तो उसके लिए मुझे कुछ हमें ज़रूरत के सामान होते हैं, जैसे एक बोनसाई पॉट मैंने लिया है, देखिए इसमें खूब अच्छे डायनल फूल हैं, ये देखिए आप, और एक खूब अच्छा मैच्योर जड़ निकला हुआ जिसमें अच्छी अच्छी रूट्स हों, वो प्लांट होना चाहिए मेरे पास। और उसके अलावा मित्रों देखिए टूटे गमले के टुकड़े भी होने चाहिए जो हम इनके होल पे रख सके। सॉइल मिक्सचर को बनाने का मैंने कुछ अलग तरीका निकाला है मित्रों, और अब आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं सॉइल मिक्सचर कैसे बना रही हूँ। तो सबसे पहले इसमें मुझे 50% गार्डन सॉइल, 40% है लगभग, ले लिया है, ये देखिए गार्डन सॉइल है। और इस डिब्बे में मित्रों सैंड है और वर्मी कंपोस्ट है, दो चीजें इसमें मिक्स है, ऊपर से सामान लाना पड़ता है, नीचे तो कुछ है नहीं, ये देखिए वर्मी कंपोस्ट है, ये देखिए और सैंड है, दोनों चीजें सैंड और वर्मी कंपोस्ट बराबर मात्रा में मिला लेती हूँ, और थोड़ी सी इसमें कोकोपीट भी मिली हुई है। देखिए अब इसको किसी टूल की सहायता से मिला लेते हैं, और इसमें देखिए थोड़ा सा फंगीसाइड में हर प्लांट के सॉइल में मिलाती हूँ, थोड़ा सा फंगीसाइड मिला लेती हूँ। किसी काम को करने से पहले मित्रों हाथ की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, हाथ में फंगीसाइड लग जाएगा, वर्मी कंपोस्ट में कीड़े मकोड़े होते हैं, देखिए अब हाथ बिल्कुल सुरक्षित। अब करना क्या है मित्रों, देखिए इसमें टुकड़े मैं रख चुकी हूँ पहले से, अब इसमें थोड़ी थोड़ी सॉइल भर लेनी है, मिक्सचर वाली सॉइल भरनी है, आधे गमले तक हमको ये सॉइल भर लेनी है। अब देखिए मित्रों हमको बोनसाई बनाने के लिए इसकी अभी कटिंग करनी पड़ेगी, कि जो शाखा देखूंगी कि आगे से अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है उसको लगाऊंगी, बाकी हटा दूंगी। तो उसके लिए मुझे ये देखिए सीजर की जरूरत है, खुद से रखने पे पता चल जाता है, इस कटिंग्स को भी मैं फेंकूंगी नहीं फ्रेंड, लगा दूंगी और फिर नई कटिंग्स तैयार हो जाएंगी। गैर जरूरी ब्रांचेस हैं जो उनको हटाना तो पड़ेगा ही। कटिंग सभी लगा दूंगी, कहीं और लग जाएंगी। अब देखिए मित्रों इसमें थोड़ा थोड़ा बोनसाई का आकार आ गया, इनको मट्टी में रख के खूब अच्छे से फिर से ऊपर से मट्टी लगा देंगे। वैसे तो मैं बोनसाई को रॉक पे लगाती हूँ, लेकिन इस समय नीचे है नहीं, दूसरा बोनसाई बनाऊंगी तो आपको रॉक पे लगाते हुए दिखाऊंगी।
करना क्या है फ्रेंड, इनको थोड़ा सा पानी दे देना है, लास्ट काम है वाटरिंग का, तो जम जाएंगे, मट्टी सूखी हुई थी, अच्छे से जम जाएंगे। प्लांट की कई बोनसाई, कई टोपियारी मेरी छत पे हैं, अब कोई दिन आपको दिखाऊंगी। कटिंग्स लगा लगा के मैंने बनाई है मित्रों, मेरे पास 1.35 रुपए का प्लांट लाई हुई थी, उसी में से कटिंग्स, अब देखिए इतनी सारी कटिंग्स निकली हुई हैं, इसमें कितने सारे प्लांट तैयार हो गए। बहुत पत्थर है मित्रों मेरे पास, डेकोरेट कर देती हूँ। ये रहा मित्रों मेरा जेड प्लांट की टोपियारी बनाने का वीडियो, देखिए कितनी सुंदर बोनसाई बनके तैयार हुई है। अभी ये जब ग्रोथ करेगी तो और अच्छे से इसमें बाउंडिंग करूंगी, तार लगा लगा के अच्छे से आकार दूंगी। तो देखिए अभी इसमें एक काम बाकी है, तार लगा के बाउंडिंग करना, जब करूंगी तो आपको फिर दिखाऊंगी। अब अगर ये भी मेरा बोनसाई बनाने का तरीका अच्छा लगा है मित्रों, तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड और फ्रेंडली में, और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू, धन्यवाद।